शख्स आपको इस असाल्ट जो है, कोई असाल्ट और कहते हैं हमला करना, कि कोई शख्स हमला करता है आप पे और वो अगर आप अपना सेल्फ डिफेंस यूज ना करें और वो आपको करके मार दे, आपको हो कि नहीं, मतलब बेसिकली इसमें आपने जो करना होता है कि ऐसे हालातों वाकयात साबित करने होते हैं कि अगर मैं इसे ना मारता या ना करता तो इसने मुझे मार देना था। तो ये आपका जो आपने एक मतलब लॉ में तो इसके और पैरामीटर है, लेकिन मैं जो कि आप लीगल बैकग्राउंड से नहीं है तो इसको जनरल अंदाज में सिर्फ आपने ये रखना है कि अगर आप अपना सेल्फ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज ना करते तो फिर क्या हो जाना था, उसने आपने विक्टिम बन जाना था और उसने आप पे जो है ना एक्शन कर देना था। तो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में जिस हद तक आप डेथ काज कर सकते हैं उसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, एक राइट ऑफ जो प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी है और एक है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है। अच्छा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी किन सूरतों में आप